अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? सब मन सईद ऑफिशियल से मन सईद अगैन एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। होप सो सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मन सईद हाजिर है एक बार फिर से। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी जी K8 माइक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो बेसिकली K8 माइक वायरलेस माइक जो कि यूज़ किया जाता है लाइव शोज़ के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, व्लॉग्स के लिए, और इसका रिज़ल्ट कैसा आता है ये सारा आज की वीडियो में आप जान जाएंगे कि वायर वाला माइक बेस्ट रहता है या वायरलेस माइक बेस्ट रहता है। ठीक है जी, वेल आप इसका बॉक्स चेक कर लीजिए, ये इस तरह से है। ठीक है, और इसको अभी हम ओपन भी करते हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले तो मैं रिमूव कर देती हूँ रैप शीट, और रैप शीट हटाएंगे तो हमें एक बॉक्स नज़र आएगा। ठीक है, K8 वायरलेस माइक बॉक्स जो है ये कार्डबोर्ड में बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, गत्ते का डब्बा है ये देखिए, और जब ये रैप शीट रिमूव करेंगे तो आपको बॉक्स के ऊपर ये देखिए वाजिया तौर पर मोबाइल पिक्चर है और साथ में माइक्रोफोन की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। और अब इसको हम मज़ीद अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। वेल ये देखिए, आपने इसको ऊपर से हटा देना है बॉक्स को, तो फिर ये ऐसे सेट हुए हुए आपको दिखाई देंगे माइक्रोफोन। और ये देखिए, इसको हम साइड पे करते हैं, और ये देखिए जी, ये ऐसे बॉक्स में बहुत अच्छे से सेट किए गए हैं माइक्रोफोन। और ये इसका आप क्लोजअप देख सकते हैं, ये आपको ऐसे बॉक्स मिल जाएगा, K8 वायरलेस माइक बॉक्स। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ माइक्रोफोन रिसीवर। ये देखिए, ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल और सूरत कैसी है, और इसको आपने अपने मोबाइल से अटैच करना है। और जब ये अटैच हो जाएगा तो इसमें रेड लाइट भी आपको साइड से देखने को मिलेगी। एंड ये देखिए जी माइक्रोफोन, और ये इसके साथ क्लिप भी है, आप इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका बटन, और अगर आप इसको जस्ट हाथ में उठाकर भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बॉक्स में क्या दिया गया है वो आपको दिखाती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये इस तरह से हैं, अगर आईफोन यूज़र हैं आप लोग तो उनके लिए भी ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आपने इसको रिसीवर से अटैच करना है, देन आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देना है, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी जी चार चीज़ें इस बॉक्स से जो अभी तक मिली हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, एंड अभी भी कुछ बाकी हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट देखिए जी बॉक्स में। ओके जी, अगेन इस बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, और इस बॉक्स में है जी सी टाइप केबल जिससे आप माइक्रोफोन को चार्ज कर सकते हैं, और ये भी ज़बरदस्त चीज़ है ये देखिए, और क्वालिटी भी बुरी नहीं है इसके। ठीक है, और प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में भी ये ज़बरदस्त माइक आपको मिल रहा है। सो ये केबल इस बॉक्स से निकली है, और आपने इस केबल को ज़रूर संभाल के रखना है, और इसी से ही आप माइक्रोफोन चार्ज कर सकेंगे। और ये ज़बरदस्त सी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, ये है जी एंड पे इस बॉक्स से क्या चीज़ निकली है। ये मैनुअल बुक है जिसपे सारा मेंशन है कि आपने इसको मोबाइल में किस तरह इंसर्ट करना है और इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, डिटेल आपको मिल जाएगी। और ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो ये बेस्ट माइक है, और वायरलेस माइक ज़बरदस्त क्वालिटी रेंज के साथ और बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है। आप ये ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, और किसी शॉप से भी, करीबी शॉप से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, नॉइस रिडक्शन में भी K8 माइक कमाल की चीज़ है, और अगर किसी बैकग्राउंड से शोर आ भी जाता है तो ये आपकी आवाज़ जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसमें खलल नहीं डालता, क्योंकि आपकी आवाज़ अगर साफ़ सुनाई दे रही है ऑडियंस को
व्यूवर्स को तो आपको और क्या चाहिए, और व्यूवर्स जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं उन तक आपकी साफ सुथरी आवाज़ जानी चाहिए, और उसमें ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और मेरी तरफ से K8 वायरलेस माइक रिकमेंडेड है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। वेल, आप लोग इसे एज अ ट्रैवल फ्रेंडली यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आपने चार्जिंग का ध्यान रखना है। न्यू यूट्यूबर्स बिगनर्स को मैं यही कहूँगी कि वो इस माइक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। वेल, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।